यूनान या इटली के साहिल पर कश्ती का डूब जाना कोई नया वाकया नहीं, बल्कि ये कई सालों से होता आ रहा है। दरअसल ये लोग डंकी लगाकर यानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर डंकी है क्या और उसके रूट्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कितना खर्चा आता है और पाकिस्तान में ऐसे कौन से इलाके हैं जिनके लोग डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसमें तीन रास्ते इस्तेमाल होते हैं। रूट नंबर एक यानी मेजर रूट, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से ग्रीस यानी यूनान में इंटर होते हैं। नाज़रीन, ये यूनान की डंकी क्वेटा से शुरू होती है, क्वेटा से पंजगोर, पंजगोर से तफ्तान बॉर्डर, तफ्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर पीछे एक मश्किल की पहाड़ियों का रास्ता है जिसमें 12 घंटे का पैदल सफर है। ईरान बॉर्डर जाने के लिए डंकर या स्मगलर क्वेटा से तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। पथरीले रास्ते पर गाड़ी तेज चला कर ले जाया जाता है, इसमें कई अफराद तो इन गाड़ियों से गिर कर ही मर जाते हैं और फिर कई घंटे पैदल चलना पड़ता है और आप ईरान में दाखिल हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप दाखिल होते हैं ईरान के शहर मशी से तेहरान और फिर तेहरान से माकू। नाज़रीन, माकू शहर तुर्की बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। यहाँ भी पहाड़ी इलाका है जो कि 1600 मीटर बुलंदी पर वाकया है। माकू तुर्की पहुँचने का सबसे करीबी रास्ता है और इन पहाड़ियों से अगर पांव पिछले तो इंसान मौत की खाई में गिर जाता है, और अगर आप मौत को धोखा देकर पहाड़ी से नीचे उतर जाएं तो आप पहुंचते हैं तुर्की के शहर वान, वान से फिर इस्तांबुल और इस्तांबुल से ग्रीस के शहर एथनिस में दाखिल कराया जाता है। और ये एक समंदरी रास्ता है, समंदर पार करने के लिए छोटी किश्ती इस्तेमाल होती है जिसकी अक्सर डूबने की खबरें आती हैं और उसके डूबने से मुसाफिरों की जान चली जाती है। नाज़रीन, ग्रीस की इंतजामिया की जानिब से इस रास्ते पर बहुत सख्ती कर दी गई है। जब ग्रीस के रूट पर सख्ती हुई तो रूट शिफ्ट हो गया। तुर्की तक तो वही रूट है जो हमने आपको बताया, लेकिन तुर्की से सीधा रूस इंटर होने की बजाय बल्गारिया ले जाया जाता है, बल्गारिया से सर्बिया और फिर सर्बिया से हंगरी एंट्री करवाई जाती है। इस रूट पर भी काफी सख्ती हुई है, जर्मन फंडिंग से हंगरी सर्बिया के पास अब बार लगवा दी गई है तो इसको भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इसके बॉर्डर पर फोर्सेज ने जर्मन शॉफर्ड कुत्ते रखे हुए हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो डंकी लगाने वालों पर हमला कर देते हैं। जो आजकल ज्यादातर रूट इस्तेमाल हो रहा है वो है का रूट, पाकिस्तान से जहाज दुबई ले जाते हैं, दुबई से मिस्र और मिस्र से लीबिया ले जाया जाता है। यहाँ बंगाली एजेंट मौजूद होते हैं जो इटली ले जाते हैं, और यहाँ से 3 दिन का पानी का सफर है जो इटली के शहर बारी ले जाता है। और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा डंकी लगाने वाला शहर गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरात और जेलम है, जहाँ से इलाके के ज्यादातर अफराद अपने जवान बच्चों को डंकी के जरिए यूरोप भेजते हैं और इस काम में काफी हद तक पैसे भी खर्च होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 18 लाख का खर्चा आता है डंकी के जरिए यूरोप भेजने का, और लोग पैसे देकर अपनी मौत खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं।